नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कूलर बना के दिखाऊंगा, वो भी सिंपल और वो भी सस्ता। तो चलो यार शुरू करते हैं, मैं कुछ फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं मैंने एक स्पीकर का जो बॉक्स होता है वो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा कूलर बनाने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं एक CPU फ़ैन इस्तेमाल करूँगा, ये 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक चला सकते हैं आप इसे, 1 एम्पियर 2 एम्पियर तक ज़्यादा से ज़्यादा, वरना अगर इससे ज़्यादा ऊपर एम्पियर दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हमें एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, 5 वोल्ट 12 वोल्ट, जो आपके पास है आप उसका इस्तेमाल करो। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ बनाने का, आप अपने हिसाब से अपने अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो CPU का फ़ैन है, ये मैं इसको यहाँ पे फेबिक्यूक से यहाँ पे जॉइंट कर दूँगा, जो स्पीकर का जो हमने बॉक्स लिया है यहाँ पे फेबिक्यूक लगा के चारों साइड यहाँ पे मैं अच्छे से इसको फिक्स कर दूँगा। फिक्स करने के बाद देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसमें PVC ग्लू भी लगा दिया है इसमें, ताकि ये इतना मजबूत हो जाए कि ये गिरे नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसका जो पीछे वाला हिस्सा है स्पीकर बॉक्स का, मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगा। यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि और कौन सी नई वीडियो मैं बनाऊँ। बाकी मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले उसके बाद फिर यहाँ पे हम होल करेंगे, अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो आप उससे होल कर लो, कोई और हो आपके पास उससे होल कर लो, मेरे पास अभी यही है तो मैं इसका इस्तेमाल करके होल कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसको होल कर लेता हूँ। मैंने वीडियो पहले से ही फास्ट बना रखी है तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो छोटी बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो बाकी का जो पार्ट है मैं इसे कट कर लूँगा। कट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास ये कनेक्टर है, मैंने इसमें वायर पहले से कनेक्ट कर लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद ऊपर मैंने ये ऊपर इसके साइज़ का मैंने कट कर लिया था, इसी को कट करने में 10 मिनट चले गए। यार वीडियो जो आपको 3 मिनट की वीडियो मिलती है वो चार चार घंटे लग जाते हैं बनाने में। आप यार वीडियो को एक लाइक मार देना। तो चलो यार वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो वायर कनेक्ट कर दिया मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कनेक्शन। यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और भी मैं नई वीडियो डाल सकूं। उसके बाद मैं यहाँ इलेक्ट्रिक टेप लगा दूंगा। और अगर आपने अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है, साइंस प्रोजेक्ट देखना है, तो वीडियो के एंड में मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा कंटेनर बनाया है PVC का, तो यहाँ पर मैं फेबिक्यूक से चिपका दूंगा। ये दिखने में छोटा है लेकिन हवा इसकी बहुत बढ़िया मिलेगा, आप इसे स्कूल प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट, घर पे पर्सनली यूज़ कर सकते हो। मैंने जो डिज़ाइन होल करा था वो मुझे पसंद नहीं आया, वो थोड़ा रफली लग रहा था, तो मैंने इसे पीछे से कट कर लिया, अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो बाद में मैंने सोचा कि अगर पानी वगैरह डालना होगा तो मैं कैसे डालूंगा, तो फिर मैंने इसे कट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर सारे पेंच लगा दूंगा, स्क्रूज टाइट कर दूंगा अच्छे से। उसके बाद चलो यार टेस्ट करके देखते हैं इसकी कि काम करता है कि नहीं, ठंडी हवा देता है कि नहीं। तो देख सकते हैं आपके सामने मैं फ्रिज से आइस क्यूब निकाल लाया हूँ, तो आइस क्यूब आप आराम से इसमें डाल सकते हैं, छोटा कंटेनर है इसलिए 2-3 आइस क्यूब ही आएगा। तो यहाँ पर डाल के और आराम से मैं आप इसे 9 वोल्ट 12 वोल्ट, अगर आपके पास बैटरी है तो बैटरी से आप चला सकते हैं, 12 वोल्ट 9 वोल्ट 7 वोल्ट आप चला सकते हैं। तो इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आवाज़ है इसकी, काफ़ी धांसू। तो यार बस यार आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ टाइम बाद।